कलंक फिल्म का टीजर बताता है कि फिल्म बहुत भव्य है। सिनेमा और दर्शक का रिश्ता भी बहुत नाजुक होता है, वह निभाना नहीं चुकाना पड़ता है, कीमत जो अब महंगी हो चली है। कलंक का टीजर देवदास जैसे फ्रेम में खुलता है। यह भी सही है कि किसी ने तो संजय लीला भंसाली को उनके खेल में मात देने का वीड़ा उठाया है। भंसाली हम दिल दे चुके सनम से लेकर बाजीराव मस्तानी और पद्मावत एक बड़े पर्दे पर सिनेमा का जो तिलिस्म गढ़ चुके हैं, उनकी तुलना बीते जमाने की मुगले आजम और पाकीजा जैसी फिल्मों से की जाती है। अब उनकी फिल्मों से तुलना कलंक की जा रही है। करण जौहर के लिए यह कसौटी आसान नहीं है। खामोशी और ब्लैक जैसे शॉर्ट डिवीजन से आगे बढ़ता है बाजीराव मस्तानी का रंग गुलाल बिखेरता है। हम दिल दे चुके सनम की लम्हों की चोरियां दिखाता है और फिर आ जाता है पद्मावत के जानवर और इंसान का द्वंद पर। ऐसा हो सकता है कि अभिषे बर्मन ने ये सारी दृश्यवली खुद से ही सजाई हो या बॉलीवुड के पीरियड्स फिल्मों के संदर्भ में बनाई हो। खास बात यह है कि भंसाली जैसा असर तब तक नहीं आता जब तक आप भारत की मिट्टी की गंध नहीं पहचानते। इस देश में अलग अलग ही खुशबू है, इसका अलग ही मिजाज है। संगीत यहाँ धमनियों में बहता है, सुर बनाने नहीं पड़ते। क्रॉच पक्षी की रुदन देख खुद ब खुद कंठ से फूटते हैं। भंसाली ने अपनी फिल्मों में यही सूत्र पकड़ रखा है। उनकी फिल्मों का कैनवास संगीत से सांसें लेता है, वह अलग से जोड़ा नहीं लगाते। कलंक का टीजर किसी खास संगीत लहरी पर तैर नहीं रहा है, अलग अलग दृश्यों और दमदार संवादों को मन को जैसे पिरोने के लिए अभिषेक का मखमल के धागों जैसा संगीत लगाना था। आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।